खुशबू जैसे लोग मिले अफसाने में, एक पुराना खत खोला अनजाने में, कुछ ऐसी ही खुशबू सा, कुछ ऐसा ही पुरानी खुशबू सा, जिसे 100 साल हो गए, हमारी यादों ने उसे संभाल कर रखा है। कल की सी बात लगती है, दुनिया में जबकि बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन मजीठा गांव, गांव के घर। बखरी, खेत, खेत की पगडंडी, मैदान, तालाब, गांव के लोग, अपने लोग, उनका प्रेम और उनका विश्वास जहां का तहां है। स्वर्गीय सेठ मुकुंदलाल जी अग्रवाल, यानी सबके प्रिय भैया जी। भैया जी ने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से अपने जीवन को सार्थक बनाया। निष्ठा और देश प्रेम ने उन्हें इतिहास में दर्ज करवाया। आजादी की लड़ाई के समय मजीठा के 16-17 साल के युवा सेठ मुकुंदलाल अग्रवाल अपने साथियों के साथ देश को अंग्रेजों से मुक्त करवाने में सक्रिय हो गए। अंग्रेजों की नजर उन पर पहरा देने लगी थी। श्री मुकुंदलाल जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में विचारों की लड़ाई लड़ी। आपने उस समय स्वतंत्रता आंदोलन के एक सिपाही पंडित सुंदरलाल की अंग्रेज शासन के खिलाफ लिखी किताब, जिसे अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था, श्री मुकुंदलाल जी ने उसे चुपचाप खरीदकर घर घर पहुंचाया और आजादी की लड़ाई को विचारों की शान पर साहित्य को धार देकर पहना बनाया। स्वतंत्रता आंदोलन में स्वतंत्रता को ध्येय बनाकर कूदे भैया जी संस्कृति और संस्कारों के प्रणेता थे। उन्हें गैर बराबरी मंजूर नहीं थी। ऊंच नीच का भेद उन्हें हमेशा परेशान करता था। गरीबों के उत्थान के लिए वे सदैव तत्पर रहते थे। शिक्षा का प्रचार प्रसार उनकी पहली अनिवार्यता थी। मजीठा का स्कूल उसका उदाहरण है। जब भी वो स्कूल जाया करते थे, उनसे उनके पास किताब है, कॉपी है, पेंसिल है, स्लेट है, संबंध में सारी जानकारी लेते थे। नहीं होती थी तो वो शिक्षक से बोलते थे कि आप हमारे यहाँ आना, पैसा ले लेना और लाके इस बच्चे को दे देना। स्कूल में जब हम शिक्षक थे तो वो यहाँ के सरपंच थे, कमेटी के, तो हमेशा नाग पंचमी को चंदा देते थे और भी हमेशा निरीक्षण करते थे, मास्टरों की नियमित सुझाव देते थे। उस जमाने में जब इस पूरे तहसील में कुल 5 स्कूल थे, तब मजीठा, सहजपुर और एक वो बड़ी पिपरिया, पाटन, ऐसे 5 स्कूल माने जाते थे। उन 5 स्कूलों में एक उनका, उन्हीं के कार्यकाल, उन्हीं के समय का मजीठा स्कूल है। उस समय हम इस स्कूल में पढ़ते थे, मसाब पढ़ाते थे, तब रोज हम 2-3 दिन में आया करते थे और जब आते थे तो फिक्स था, लड्डू मिलते थे। भैया जी की न्यायप्रियता ने विधि अनुसार न्याय की आवश्यकता को समझा, उस पर गहन चिंतन मनन कर उसे कार्य स्वरूप में परिवर्तित किया। 14 दावा का मोहनलाल कुर्मी हिमलिया वाले ने सीताराम ढीमर मजीठा वाले के विरुद्ध पेश किया।
मजीठा में ग्राम न्यायालय की स्थापना की। उस समय मध्य प्रदेश में सिर्फ दो न्याय पंचायतें थीं। मजीठा में प्रथम ग्राम न्यायालय स्थापित हुआ। इस न्यायालय में कई बार भैया जी ने न्यायपति की भूमिका का निर्वहन कर उचित न्याय प्रदान किया। उनके किस्से आज भी प्रचलित हैं। जब वो अपने न्याय पंचायत के सरपंच थे तो बिल्कुल उन्होंने उसको अदालत की शेप दी थी न्याय पंचायत को, और जो फैसले लिखते थे तो हम लोगों से बहुत सी कानून की धाराओं से अपने को परिचित कराते थे और उसमें कानून की धाराओं का उल्लेख भी करते थे अपने फैसले में। और जहाँ तक हमको याद है बहुत सी उनके फैसले के खिलाफ जो रिविजन्स होती थी यहाँ पर कोर्ट में, एक भी रिविजन उनके फैसले के खिलाफ अलाउ नहीं की गई। कचहरी हटी भाई, न्याय हटी, चार छह गांव को मुकदमा टूटे थे नेता जी कांग्रेस पर गया तो भविष्य दृष्टा स्वर्गीय सेठ मुकुंदलाल जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई। अपने साथी सेठ गोविंद दास, पंडित डीपी मिश्र एवं व्यवहार राजेंद्र सिंह एवं अन्य के साथ जेल यात्राएं की। 16-17 साल की उम्र में फ्रीडम फाइटर आंदोलन में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए, गांधी जी के साथ हो गए, आदरणीय सेठ गोविंददास जी, पंडित द्वारका प्रसाद जी, व्यवहार जी, सब लोगों के संपर्क में रहे, जेल भी जाना हुआ। आप खंडवा, अमरावती, जबलपुर एवं अकोला जेलों में रहे। उस समय 1932 में आप पर 300 रुपए जुर्माना किया गया। उनके बारे में जितनी भी बातें हमें बाद में पता चली सब से सुनी। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में वो अग्रणी रहे हैं, महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे। स्थानीय स्तर पर सेठ गोविंद दास जी और द्वारका प्रसाद जी के संपर्क में रहे और स्वतंत्रता की लड़ाई में बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया। समय के पाबंद भैया जी ने अपने देश को हमेशा प्रथम प्रेम किया। 7 सितंबर 1933 को आपने नीलामी में गांधी जी का वह चरखा खरीदा जिस पर स्वयं गांधी जी सूत काता करते थे। आपने यह चरखा 500 रुपए में खरीदा। इतनी बड़ी राशि में खरीदने का उनका आशय था कि यह राशि आजादी के आंदोलन में काम आने वाली है। सन 1933 में सर्वोच्च बोली लगाकर गांधी जी का चरखा उनने 500 रुपए में खरीदा था। इतना बड़ा त्याग, इतनी बड़ी देश सेवा, क्योंकि वो पैसा देश की सेवा में लगना था। एक निर्भीक चिंतक को आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए कांग्रेस कमेटी ने ताम्र पत्र प्रदान किया। पाटन तहसील के उस समय ब्लॉक कांग्रेस, जो तहसील कांग्रेस कमेटी होती थी, उसके वो अध्यक्ष रहे। वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी उस जमाने में, अगर कोई उस जमाने में तहसील स्तर पर कोई अध्यक्ष कांग्रेस का हो जाए तो वो कांग्रेस के यहाँ के ब्लॉक और ब्लॉक का तहसील स्तर, उसमें ब्लॉक नहीं थी, तहसील ही थी, और तहसील के वो अध्यक्ष रहे।
ऐसे युग पुरुषों की जीवन गाथा आदर्श समाज का निर्माण करती है और युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करती है। आज मजीठा ग्राम इतिहास के पन्नों में आजादी की लड़ाई और आजादी दोनों का गवाह है। ऐसी आजादी जिसकी कल्पना राम राज्य के रूप में गांधी जी ने की थी, जहां शिक्षा है, समृद्धि है, प्रेम है, विश्वास है, बराबरी है। भैया जी ने हमारे जो सियाने बुजुर्ग थे दादा लोग, उनके लिए उन्होंने जमीन दी और अच्छे ढंग से उनसे व्यवहार रखा। और हमारे जब बब्बा जी मरे तो उनने खुद ही हाथ से अपने सने ही मान ही और है सो कंधा लगा के उनको मरगत के लिए भेजा गया। बहुत अच्छे व्यवहार थे उनके। हमारे जब से हमें होश है तब से हमने इस बकरी को हमने छोड़ा नहीं बिल्कुल, और आज भी हम छोड़ेंगे नहीं, ये हमारा दावा। मैंने जो उनके बारे में सुना, समझा, पढ़ा, वो मुझे एक आदर्श के रूप में नजर आते हैं। और यह मेरी कोशिश है कि मैं उनके आदर्शों पे चलते हुए अपने जीवन को सेवा में, लोगों की सेवा में अर्पित करूं, यह मेरा दायित्व भी है। और इस परंपरा का निर्वहन मैं कर सकूं, भगवान मुझे इतनी शक्ति दे ताकि मैं उनके आदर्शों को हमेशा जीवित रखने का एक प्रयास सफल बना सकूं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे अपने उच्च संबंधों के बावजूद कभी किसी बड़े पद की प्राप्ति के लिए राजनीति में लालायित कभी नहीं रहे। उनकी प्राथमिकता में हमेशा उनका गांव, उनका समाज, उनका इलाका, उनका व्यावहारिक परिवेश ही बना रहा। उन्होंने समूची दुनिया का चक्कर लगाने की जगह अपनी आधार भूमि को ही अपनी जननी मानकर उसकी परिक्रमा कर विजय श्री का मोदक गणेश जी की तरफ प्राप्त करना बेहतर समझा। वे अपने इलाके के कण कण के जीवन में सुपरिचित थे, उनके सुख दुख के साथ, उनके आनंद उल्लास के साथ, उनकी हर गतिविधियों के साथ जुड़े हुए थे और उनके सहयोगी थे। आजीवन उनकी अनिष्ठा अविचलित बनी रही। बेवजह पैर फैलाने की हिमाकत उन्होंने कभी नहीं की। वे अच्छी तरह जानते थे कि अपने समाज से जुड़कर ही आदमी अपने व्यक्तित्व की चरम सार्थकता प्राप्त कर सकता है। अपनी जमीन से जुड़ा हुआ आदमी ही आगे बढ़कर सार्वजनीन होता है और वह इतिहास के अंधेरे पन्नों में भले दर्ज ना हो मगर लोगों के दिलों की उजालों में हमेशा गौरव गाथा बनकर, लोक गाथा बनकर जीवन की एक अनुपम निधि की तरह हमेशा मौजूद रहता है, स्मृतियों में रहता है और गाथा बनकर। यह सब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
सबके प्रिय भैया जी स्वर्गीय सेठ मुकुंद लाल अग्रवाल जी के आदर्शों के कारण हुआ। हम उन्हें शत शत नमन करते हैं।